हाय गाइस, वेलकम टू तड़का ऑन माय प्लेट। आज हम बनाने जा रहे हैं सूखे मटर की सब्ज़ी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ हमने करीब 1.5 से 2 कप सूखे मटर लिए हैं, जिसे हमने पानी में 4 से 5 घंटे भिगो लिया है। और अब हम इसे प्रेशर कुकर में मीडियम आँच पर हल्दी और नमक डालकर 2 से 3 विसल आने तक बॉईल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ टमाटर, लहसुन और अदरक लेकर एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसालों में हमें ज़रूरत होगी ज़ीरा, यहाँ पे हमने ले लिया है तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और दालचीनी, साथ ही में फाइनली चॉप्ड 2 अनियंस, हल्दी पाउडर, धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी चीनी, किचन किंग मसाला और सरसों का तेल। चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल ले लिया है प्रेशर कुकर में, और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने पे हम इसमें तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और दालचीनी डाल देंगे, और साथ ही में ज़ीरा। ज़ीरा जब चटक जाए इसमें 2 मीडियम साइज़ फाइनली चॉप्ड प्याज डाल दें और उसे भून लें। साथ ही में अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। इसे डालने से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लें इस तरीके से। अब डालेंगे मसाले, 1 चम्मच हल्दी, करीब 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। इन सबको आप लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लें, प्याज और मसालों को। और अब टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें मिला दें और अच्छे से चला लें। ध्यान रखिएगा इसको मीडियम आंच पर अच्छे से भून लें, कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से, तब तक हमें भूनना है। और तेल बाहर आ जाना चाहिए, तब तक इसे भूनते रहें। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, हमने इसे अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें पहले से बॉईल किए हुए जो हमने मटर हैं उसे मिला देना है और अच्छे से चला लें। और साथ ही में कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से पानी डालकर एडजस्ट कर लें। अब इसे मीडियम आंच पर एक बॉईल आने दें। इस तरीके से जब बॉईल आ जाएगा मटर में, हम डालेंगे किचन किंग मसाला। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास किचन किंग था तो मैंने किचन किंग डाल दिया है। दोनों में से कोई एक डाल लें। और साथ ही में 1 छोटा चम्मच देसी घी, इसे डालकर मिक्स कर लें। देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी सब्ज़ी। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मटर की सब्ज़ी रेडी है।